सो गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली एंड अदर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। आज एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है और ये व्लॉग जो है सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज हमने काम ज्वाइन कर लिया और काम ज्वाइन करने से पहले ही हमने रूम पे व्लॉग स्टार्ट कर लिया, ठीक है। एक बी कीपर की लाइफ क्या है सऊदी में, एक बी कीपर कैसे है सऊदी में, एक बी कीपरिंग क्या होती है यहाँ पे, मक्खी कैसे चलाते हैं यहाँ पे, ये मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और जितना मैं करूँगा उतना मैं आपसे शेयर करूँगा और बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपका रूम दिखाता हूँ, एक बी कीपर का रूम क्या है यहाँ पे, ठीक है। और एक बी कीपर इस रूम में कब तक रह सकता है, फिर रूम के बाहर हम कब जाएंगे, मतलब क्या करना पड़ेगा, मैं आपको वो लाइफ दिखाता हूँ। सो चलिए चेक कीजिए रूम। सो फाइनली ये आप चेक कर सकते हो एक बी कीपर का रूम क्या है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको अपना बेड दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये बेड है, ये मेरी सोने की जगह है और ये यहाँ पे सोफे वगैरह लगे, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एसी भी लगा है और एसी के साथ साथ में ये छते वगैरह कुछ, ये तो आप जानते हो बी कीपर कौन नहीं जानता है। और ये इनमें जो है शहद है और ये भी कुछ, ये जो है भाई ये हमारी बी कीपरी में अभी मुझे नहीं पता है, क्या पता आप लोगों को पता हो। यहाँ ये मैंने कभी नहीं दिया है, तो ये मक्खी के ऊपर डाला जाता है, मक्खी खुद उठाती है। सो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारे रूम में क्या है, सबसे सही जो हमारे रूम में है ना वो है कुरान शरीफ, ये आप चेक कर सकते हो। और जेनमाज़ के साथ साथ टोपी तो मैंने रख दी थी, लेकिन ये और ये पहले से यहाँ पर मौजूद था, ठीक है। सो ये चेक कीजिए। चलो अब एक काम करेंगे, यहाँ से हम निकलेंगे और हमारे साथ जो भाई है ये चेक करो। हाँ भाई, हाँ भाई कैसे हो भाई? नेपाली भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे, मैं आपसे रास्ते में इनसे बहुत अच्छे से मिलाऊंगा, इनके साथ ही हम काम करते। और इनकी एक्सपीरियंस क्या है, हमारी एक्सपीरियंस क्या है, इनको कितना टाइम यहाँ पे हो गया, सब कुछ बताऊंगा। और ये हमारा रूम है, ठीक है ना। सो चलो निकलते इस रूम से और दिखाते आपको बाहर की लाइफ कुछ। सो फाइनली ये हमने रूम लॉक कर लिया, ये रूम की चाबी मेरे पास है, ठीक है ना। 1, 2, 3 रूम और इसमें किचन भी है, वॉशरूम भी है, वो मैं दिखाता हूँ। और सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि एक बड़ी कैंटर यहाँ पे सात होती है, मधुमक्खी जो है हम जब कहीं पे ले जाते हैं 500 किलोमीटर, 600, 700, 800 किलोमीटर, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है हमारे साथ। इसके पास जो है जिस काफिल के पास हम काम करते कम से कम 3-4 गाड़ियाँ, ये और एक गाड़ी यहाँ, ये बुधू भाई सामने। बुधू भाई क्या हाल है, ठीक है। हमारी हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे इंडियन ऑडियंस को? मेरा भाई का YouTube चैनल का शेयर सब्सक्राइब लाइक पूरा कर देना। ओ भाई इसने भी बोला शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर। सो आप किस बात को देख रहे हो यार। सो चेक करो गाइज, ये हम यहाँ पे एक बी कीपर के साथ साथ में ये गाड़ी होती ही होती है, ठीक है। अगर आप मधुमक्खी पालन करते हो तो ये गाड़ी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप फार्म पे जाते हो तो ये गाड़ी आपको वो लोग देंगे। अगर आप ड्राइव करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो ये गाड़ी आपको रखनी है और आपको मधुमक्खी के पास जाना है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से काम करने के लिए। सो चलो हम दो भाई इसमें बैठे और मैं बैठूंगा, सो निकलेंगे यहाँ से। और ये सामने का कुछ व्यू, कुछ नज़ारा, तो चलो यहाँ से चलेंगे हम मधुमक्खी के पास। सो गाइज फाइनली हम गाड़ी में आ चुके हैं, ठीक है ना। मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल जाता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना, राइट साइड हम चढ़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड चढ़ना पड़ता है और राइट साइड बाइक ड्राइव कर रहा है, ठीक है, वो चेक कीजिए। तो यहाँ पे मैं जब भी आया था ने वही बारी खोली थी, फिर पता चला भाई वहाँ पे ड्राइव कर रहा है। सो चलो मैं रास्ता दिखाता हूँ यहाँ से आपको, हम चलेंगे मधुमक्खी के पास। तो कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, अभी का टाइम मैं दिखाता हूँ आपको। और एक फ़ोन का है मेरा, वेट करना, फ़ोन उधर टाइम उधर है। हाँ यहाँ पे बज गए 8:53, एक सेकेंड में मैं अपने फ़ोन का भी दिखाता हूँ ना, इसमें दो टाइम है ना, एक अपने इंडिया का और एक यहाँ का। सो चेक करो, एक इंडिया का टाइम है, एक यहाँ का टाइम है, ठीक है ना। इंडिया में अभी 11:24 हो गए और सऊदी में 8:54। तो चलो यहाँ के रोड मैं ये दिखाता हूँ आपको। सो चेक कीजिए गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे जो है रास्ते में कैमरा वगैरह लगे होते हैं, तो ड्राइव अगर आप करते हो 100 स्पीड, तो भाई लोग तो 130-140 भी जाते हैं यहाँ पे, लेकिन जब वो कैमरा आ जाता है तब स्पीड जो है स्लो करनी पड़ती है और सीट बेल्ट लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। और फ़ोन अगर आपने हाथ में लगा लिया तो वो सेम मतलब इंडिया के जैसा हमारे यहाँ पे वो रूल है। और यहाँ पे फ्राइडे के दिन कल मैंने क्या देखा ना, आप कुछ भी मतलब अगर ड्राइव में कोई गलती करते हो या कुछ भी, तो पुलिस आपको उस दिन माफ़ कर देती है, मतलब कोई चलान नहीं कुछ नहीं। ये चेक करो भाई, ये जो है ना खजूर के बगीचे, यहाँ से
भाई, और ये हमारे दो भाई हबीबी कम टू सऊदी। इनको बड़ा टाइम हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, इनको बहुत टाइम हो गया, तो मुझे इनसे बहुत सीख मिलती है। काफी अच्छे बंदे यार, बहुत सपोर्ट करते हैं इंडिया का। तो हमारे उधर भी मतलब नेपाली भाई होते हैं, तो आपसे जितना हो सकता है ना भाई उतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है इंसान जब इंसानियत करते हैं तो कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे ना, इतना उम्मीद रखो कि आपके साथ कभी ना कभी अच्छा होगा, ठीक है। तो सो जो भी आता है यार, फुल सपोर्ट दिखाओ, मतलब आपसे जितना कुछ हो सकता है उतना उनसे शेयर करो, उनसे पूछो, तो ये चीज़ ज़रूरी है हम में यार। सो ये चेक कीजिए यहाँ से, हर जगह से यहाँ पे जो एक खजूर के पेड़ हमें दिख रहे और कुछ भी नहीं। सो चलो रास्ते में अगर कुछ और दिखा पाए तो वो दिखाएंगे, तो वरना सीधे मक्खी के पास। सो गाइज फाइनली हम अपनी मक्खी के पास पहुँच गए, ये यहाँ पे मक्खी लगाई हुई है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा आपको ये दिखाता हूँ, और हमारे हाथ में टोपी थमा दी गई है, और ये टोपी बहुत सही है यार, मतलब जो हमारी तरह इंडिया में है ना उससे काफ़ी अच्छी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ लगा के, तो ये आप चेक करना यहाँ की मक्खी। सो गाइज फाइनली आप ये टोपी चेक कर सकते हो, ये भाई ने लगाई है। इसे मैं आपको खुद की भी दिखाऊंगा, पहले भाई की दिखाऊंगा। भाई भाई ऐसे ही रहना, थोड़ा आप आगे रहो, आप आगे। ये देखो भाई बैग से ये टोपी, कहाँ से ये इसका बेल्ट है फ्रंट से भाई, एक सेकेंड, और ये देखो सामने से, ठीक है ना। ये टोपी बहुत सही है यार। और अब ये चेक करो गाइज कि जो हमारी बीकीपरी है, हमारी बीकीपरी में तो मक्खी ऐसी नहीं डाली जाती है, फर्स्ट बात, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। और आप देखो भाई मक्खी कितनी क्लोज में है, ठीक है ना। सेकंड बात आप ये चेक करो कि भाई ना तो ये मुझे इंडिगो दिख रही है, ना मेलिफेरिया दिख रही है, ये चेक करो यार ये कौन सी है। आप ज़रा कमेंट में कहो, आप इंडिया के बीकीपर हो तो आप कमेंट में ज़रूर कहो कि ये मक्खी कौन सी है यार, ये बाहर से मंगवाए हुए। बुधू भाई क्या आपने बोला था इस मक्खी को क्या बोला जाता है यहाँ में? बलादी, सऊदी में बलादी बोला जाता है इस मक्खी को, लोकल मक्खी बलादी। बलादी मीन्स के मतलब सऊदी में, ठीक है ना। ये चेक करो, ये मक्खियाँ लगी है यहाँ पे, और वो टेंट वहाँ पे जो वैसा लगा है सिस्टम। और ये चेक करो भाई, यहाँ पे पानी नहीं है, तो ये ड्रम में पानी डालने का सिस्टम है। ये चेक करो यार, यहाँ पे जो है पानी खुद आ जाता है यहाँ से यहाँ, और ये जब फुल हो जाता है तो पानी यहाँ से खुद बंद हो जाता है, तो जितनी मक्खी पानी पी लेगी उतना जो है इसका पानी आता रहेगा। ये ड्रम में पानी लगा हुआ, ये चेक करो। और वो जो हमने गाड़ी लाई उसमें भी दो ड्रम भरे हुए, ठीक है ना। और ये चेक करो भाई समोकर, ठीक है, हम तो समोकर कोई जलाता है उधर, कोई नहीं जलाता है, ये समोकर है, ठीक है ना। इसमें अब हम धुआँ उठाएंगे, ये चेक करो समोकर, और इनकी जो है इंस्पेक्शन करेंगे, जो इंस्पेक्शन सेम है भाई। ये मक्खी भी मैं आपको अंदर से अभी दिखाऊंगा, इंस्पेक्शन जो हम अपने इंडिया में करते हैं ना सेम वही है, मतलब छत्तू को काटना है, और क्या करना, जब हम छाते काटेंगे मक्खी को टाइट टाइट रखना है, इसमें रानी मक्खी देखनी है, रानी मक्खी सही है। लेकिन ये यहाँ पे एक चीज़ यार मैं इसमें परेशान है कि कहीं ओल्ड मक्खी निकल जाती है, तो हम मतलब सीज़न के हिसाब से देखते हैं ना यार, अगर सीज़न अच्छा हो तो काट देते हैं उसको, ख़त्म करते हैं, नई मक्खी बनाने की रानी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब आगे कोई फूल वगैरह सीज़न जिसमें अच्छा हो तो वो मैं आपको दिखाऊं। ये चेक करो यहाँ पे घास है, तो भाई लोग बोल रहे इसमें फूल आ जाता है, बरसीन, ये लोग इसको बरसीन कहते हैं, अभी मुझे खुद नहीं पता, पास जाके ही पता चलेगा। तो बरसीन कहते हैं ये लोग कि बरसीन है, इसमें फूल आ जाता है, तो मक्खी इस पर थोड़ा बनती है। लेकिन इनकी मक्खी क्या है मैं आपको वही दिखाऊंगा। और ये पानी चेक करो यार, खेत में पानी लग रहा है, ये देखो बहुत सही है, ठीक है ना। पता नहीं मक्खी वाली पानी पीती है यहाँ पे नहीं पीती है वो मुझे नहीं पता है, वहाँ पे पानी डाला है इन्होंने, अभी मैं भी नया आई हूँ तो खुद ही पता चल, ये खुद घूमता है यार, ये चेक करो टायर खुद घूम रहा है, समझो ये सब एरिया में खुद ही घूमेगा पानी दे दे के, ये देखो खुद घूमेगा गोल गोल में, ये चेक करो रुक गया। ये सिस्टम सही है यार, हमारे राजस्थान में है क्या ये सिस्टम, ज़रा आप कमेंट करके बताना। और ये चेक करो, और वो उन्होंने छते काट के रखे वहाँ पे, ये यहाँ की मक्खी, ठीक है ना। ये बॉक्सेस जो ये खाली लगाए गए, मुझे अभी वाइब हो रहा था कुछ टाइम पहले, और वो, और गाइज ये चेक करो, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने जो छते काटे बहुत ही सही वाले छते, नए बिल्कुल यार, ये चेक करो, पुराना वाला मुझे इसमें एक भी नहीं दिख रहा है, ये चेक करो यार बिल्कुल नए छते यार।
ब्रेजिट नया है यार, पुराना नहीं है, नए छत है बिल्कुल, सब माल ही नया है ये। और मतलब जब आप बी कीपर हो ना, जब आप गाड़ी चलाते हो, आपके साथ 24 घंटे गाड़ी रहेगी, ये गाड़ी सामने है ना, जब हम यहाँ पे आए तो गाड़ी में आए, जब हम यहाँ से निकलेंगे तो गाड़ी में ही निकलेंगे, मतलब हर एक के पास, अगर हमें मैं भी चलाता हूँ तो मुझे भी देंगे। अपनी पेटियाँ संभालो, गाड़ी में जाओ आओ और खुद उनकी देखभाल करो। सो चलो सबसे पहले हम इनकी इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है ना, मक्खी को संभालेंगे थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो सो जो भी भाई चैनल पे नया हो ना भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोगों के लिए अब ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की मक्खी के बारे में, यहाँ के मतलब नॉलेज के बारे में और हमारी नॉलेज में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो वो आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। सो चलो करते एक काम, अभी थोड़ा बहुत रोकते हैं, क्योंकि जब मैं डब्बा खोलूँगा कोई, तो पहले मैं खोल के दिखाता ही हूँ आपको यहाँ में क्या है। मैं आपको डब्बा खोल के दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये डब्बा जो है ना, देखना भाई, ये चेक करो गाइस, तीन पे, ठीक है ना, तीन छत पे टोटल है। और ये नीचे से चेक करो यार, ठीक है ना, हवा आने के लिए। और सामने चेक करो, ये बंद भी हम कर सकते हैं, ये देखो, ये बंद भी हम कर सकते हैं आराम से, ये लॉक लगा के, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर क्या है, शीट डाली हुई है ना, कि हम लोग जो है कट्टा डालते, आधे कट्टा डालते आधे और कुछ डालते। और ये देखो किसी में टीन लगा हुआ है ऊपर, किसी में नहीं लगा हुआ है। सो चलो करते हैं काम, करते हैं अब हम काम स्टार्ट, तो फिर आपसे मिलेंगे दोबारा और एक बार। सो गाइज फाइनली हमने मक्खी का जो इंस्पेक्शन है वो कर लिया, आधे बॉक्सों का, और आधे बॉक्सों का रह गया तो शाम को आएंगे, अभी नहीं, अभी हम घर जा रहे हैं, मतलब रूम पे, जहाँ पे हमारा रूम है वहाँ पे खाना वगैरह बनाएंगे, खाना खाएंगे उसके बगैर देखेंगे। लेकिन गर्मी बहुत सही है, और अभी ये भाई ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना, तो भाई गाड़ी यहाँ पे साथ है, आप जहाँ भी जाओगे गाड़ी साथ होगी आपके, तो मक्खी को देखना है फिर आना है, मतलब जितना मैं देखूंगा उतना आपसे बताऊंगा। सो चलो फाइनली अभी तो हमने मधुमक्खी तो देख ली, लेकिन यहाँ की और हमारी इंडिया वाली मक्खी में बहुत फ़र्क है, ठीक है। सो अभी हम रूम पे पहुँचेंगे, फिर मैं और एक बार आपसे मिलूंगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइज फाइनली ये आप हमारा किचन देख सकते हो, ठीक है ना, ये यहाँ पे चावल लग गए, और यहाँ पे ये देखो भाई, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये चिकन, ठीक है ना, ये कितने के हमें पड़े, कितने रियाल के, 10 रियाल, 10 रियाल का ये पड़ा है ना, ये 10 रियाल के हमें यहाँ पे पड़े, तो 10 रियाल आप खुद ही देखो इंडियन कितना होता है। अब यही हम बनाएंगे, फिर उसके बाद चावल, ये देखा आपने, ये किचन है, ये फ्रिज है। टमाटर बहुत लेके आए आप कल, हाँ। सो खाना खा के फिर हम भाई, गर्मी बहुत ही ज़्यादा, ये देखो गर्मी, मन नहीं है रूम से बाहर निकलने का, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो अब एक काम करेंगे, बाद में आपको और दिखाएंगे, जब हम जाएंगे उस टाइम देखते हैं क्या होता है। सो गाइज फाइनली हम रूम से निकलेंगे, ठीक है ना, ये अपना रूम है, हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी तक हम रेस्ट यहीं पे कर रहे थे, हम कब के आए हुए थे, तो खाना वाना खा लिया, अब फिर से फार्म पे जाएंगे, थोड़ा सा काम है, कितने टाइम तक रहेंगे कितने टाइम तक नहीं, सो चलेंगे यहाँ से। अभी हमारे इंडिया में तो अंधेरा हो गया होगा, लेकिन यहाँ कोई अंधेरा नहीं, वो देखो अभी यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ, अभी यहाँ पे बड़ा टाइम है। सो चलो चलेंगे फिर से। सो गाइज फाइनली हम रूम से निकल के फार्म पे आ गए, ठीक है ना, जो पहले वाला फार्म था वो वहाँ पे, तो अब दूसरे वाले पे आए, ये दूसरा वाला मेरे पीछे, अब इसकी इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है ना, मक्खी हल्की हल्की यहाँ चल रही होती, फास्ट नहीं, तो यहाँ पे फूल वगैरह कुछ नहीं दिख रहे, सो इसकी इंस्पेक्शन करेंगे, फिर मिलेंगे और देखते हैं क्या क्या दिखा पाते हैं आपको सऊदी अरब का। सो चलो मिलते बाद में। सो गाइस फाइनली आपका भाई यहाँ पे ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना, हमने सोचा आज हम भी थोड़ा सा सऊदी का इधर से घुमा के लाते, तो हमने सोचा आज थोड़ा हम भी यहाँ पे ड्राइव करते और देखते हैं यहाँ का मजा, क्योंकि गाड़ी चलाना तो हमें नहीं आता है, लेकिन बुड्डू भाई ने हमें गाड़ी दी। बुड्डू भाई थोड़ा आगे दिखाओ रोड, ये रोड चेक करो थोड़ा, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आज यहाँ ड्राइव कर ले, आराम से इधर मतलब नहीं भगाना गाड़ी, ये चेक करो यार हम कहाँ से चल रहे, नहीं भगाना यहाँ से, चलो कोई बात नहीं, ये चेक करो यार, और दूल्हा देखो
और वो मक्खी है सामने, ठीक है ना। और ये हम यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं, आपका भाई यहाँ से गाड़ी चला रहा है। फाइनली हम मक्खी के पास पहुंच गए। ये रही अपनी मक्खी, आज हमने खुद ही गाड़ी चलाई। हमने सोचा चलो हम भी मजा देख लेते, चलो गाड़ी साइड लगाते फिर करते बात, वरना गाड़ी ठोक देंगे लोग। सो गाइज फाइनली आज आपने देखा हमने सऊदी अरब से गाड़ी चलाई, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे भी हमने देखा क्या मज़ा है क्या नहीं। गाड़ी चलाना तो आपके भाई को नहीं आता है, लेकिन यहाँ हल्का फुल्का थोड़ा सा आ जाता है, इतना चला लेते। तो करेंगे एक काम, रूम पे फाइनली वापस पहुँच गए, ठीक है ना। खाना भी हमारा हो गया, तो अब एक काम करेंगे, अब सोने का टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि व्लॉग को एंड कर दूँ, और व्लॉग से पहले मैं आपको कुछ यहाँ के रियाल दिखाता हूँ, ठीक है ना, बैक कैमरा से दिखाता हूँ। सो गाइज फाइनली आप ये चेक करो यहाँ पे, ठीक है ना, ये 100 रियाल है। ये देखो भाई खूबसूरत है ना, ये चेक करो 100 रियाल। और ये है 10 रियाल, ये चेक करो, ये है 10 रियाल, ठीक है ना, ये देखो 10 रियाल। और ये है 5 रियाल, ये चेक करो, ये 5 रियाल, ये है 5 रियाल। तो ये चेक करो गाइज, ये है यहाँ के पैसे जनाब, ठीक है ना। तो फाइनली करते हैं इस व्लॉग को एंड, हो रहा है अब सोने की तैयारी, ठीक है भाई, बाहर से होके आ गए। सो भाई जो भी मेरे चैनल पे नया हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बहुत मेहनत लगती है इन व्लॉगों में यार। सच बताऊँ यहाँ नेटवर्क नहीं होती है, फिर 5-5, 8-8 किलोमीटर जाना पड़ता है व्लॉग अपलोड करने के लिए, कि भाई व्लॉग सही से अपलोड हो जाए और आप लोग देखो, ठीक है। तो मैं सब काम छोड़ता हूँ, लेकिन ये देखता हूँ कि भाई व्लॉग आप लोगों के लिए बनाना है और फिर अपलोड भी करना है। सो जब आप देख के भी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो भी मेरे चैनल पे नया है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मत भूलना। मिलते हैं अब कल वाले व्लॉग में, और कल क्या होगा हमारे साथ, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।